यही वाली पहनती हूँ। अरे भाई गोलू का फंक्शन है, सबको लगना चाहिए सबसे फूट रही किसकी मम्मी, गोलू की मम्मी। इससे ज्यादा ये वाली भी अच्छी है, नीला रंग है, अलग से ही दिखूंगी। ओ गॉड, मम्मा तो ऐसे सज धज रही है जैसे किसी शादी में जाना हो। वसी मेरे फ्रेंड्स उन्हें सबसे पहले बोलते हैं कि देखो ये गोलू की माँ गहनों की चलती फिरती दुकान जा रही है। अब मेरी सारी तैयारी खत्म हो जाएगी। एक सेकंड जीजी। मामा, आप इतने दिनों से दुकान नहीं गए ना, बड़ी गड़बड़ हो रही होगी। अरे के बताऊं बेटा, वो दुखेश्वरी वो जो भी हो वो माता के चक्कर में ना सब उल्टा पुल्टा हो गया, के बताओ दुकान भी ना जा पाएं। तो मम्मा आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरे स्कूल फंक्शन में मत आओ ना। है क्यों क्यों ना आऊं मैं? मारा छोरा मारा लाडे सर कितना सोचता है मेरे बारे में। अरे ग्राहकी गई भाड़ में, मतलब ग्राहकी क्या क्या है, आती जाती रहती है, मगर मारा लाडे सर पहली बार डिस्को डांसर का डांस करेगा। अरे मैं ना देखने जाऊं, ऐसे कैसे हो सके। अरे सबसे पहले ताली तो तेरी माँ बजाएगी। मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ दीदी मैं नहीं खेल रहा, मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ बेटा सो जा जा। माँ अब मैं क्या कह रही थी कि आप कोई हल्की सी साड़ी पहन लो ना आप। हाँ ये देखो ये साड़ी कितनी अच्छी है, आप पे कितनी अच्छी लगेगी। वैसे भी देखो इतनी गर्मी है, आप इसके साथ कोई हल्के से गहने भी पहन सकती हो। मैं क्यों पहनूं हल्की साड़ी और हल्की वो गहने? अरे बेटा दिखावे की दुनिया है, अगर मैं इतना दिखाऊंगी नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं कितनी अमीर हूँ। अरे सबसे अच्छे बन के जाऊंगी ना तो सारे लोग कहेंगे देखो गोलू की मम्मी कितनी फूट रही है, मैं तो वही पहनूंगी। हाँ पर माँ ऐसे स्कूल फंक्शन में ऐसी भारी साड़ी पहनना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अरे मेरी बिटिया रानी ऐसा करना पड़ता है, तू पंचायती में मत पड़ ठीक है। मैं यही साड़ी पहनूंगी, सबसे फूट रही लगूंगी। तू जा सो जा सो जा जा। मिश्री ये वाला फॉर्मूला याद कर लो। जिठानी जी मिल गया आपके अलमारी से ये गोल्डन वाला पर्स, थैंक यू सो मच। अब मैं गोलू के फंक्शन में जा रही हूँ और वहां पे ना वीडियो भी बना के लाऊंगी और सबको दिखाऊंगी ठीक है। मिश्री थारे को भी दिखाऊंगी। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। अच्छी लग रही है मीनाक्षी। वो तो मुझे पता ही है। बाबा मैं जा रही हूँ, बाबा मैं वही बिस्किट ले लेती, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे क्या करे ढंग से जाए। थैंक यू और बाय। क्या तेरी मम्मी आ रही है? हाँ यार पता है, मैंने उन्हें मना भी किया था कि मेरे स्कूल फंक्शन में मत आना, लेकिन वो मेरी बात कभी सुनती ही नहीं है। बहुत ज्यादा मेकअप लगा लेती है और बहुत ज्यादा ही ड्रेसिंग कर लेती है। लेकिन प्लीज तुम लोग मेरा मजाक मत उड़ाना, ये सब देख कर तो मुझे भी शर्म आने लगी है के साथ कहीं भी आने जाने में। गोलू तेरी मम्मी ने सब सुन लिया। चल कूद रही थी कि मारे गोलू का फंक्शन है, ऐसे तैयार होंगी वैसे तैयार होंगी। हाँ हाँ उसे मारे पहनावे से मारी बोली से शर्म आती है। अपने दोस्तों में अपने स्कूल में ले जाना नहीं चाहता मारे को, अरे खुद का कोम जना
मारे से शर्मिंदा है बाबू। क्या मैं इतनी बुरी हूँ बाबू? दे मीना बीनी, के डाबरा जिसी रोवे। चुप, चल, चुप हो जा। चल। तू तो ना गिलहरी की तरह कूदती फांकती काला कांडी करती चोखी लागे। तारे को कैया समझाऊं मैं? चल रोना बंद कर, चुप हो जा। गोलू, अंग्रेजी के दो शब्द क्या तूने सीख लिए? अपनी माँ को माँ बोले में शर्म आ रही है तुझे? एक खींच के दूंगा तुझे। ठीक है। अरे ऐसे इजी रहने दो, ऐसे कुछ मत कर, छोड़ो। थैंक यू सो मच। आज मुझे जो ये अवार्ड मिला है ना, उसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, मेरी माँ मीनाक्षी राठी का। मैं ना उन्हें बचपन से देखती आ रही हूँ। वो बहुत ही खूबसूरत है, शक्ल से भी और दिल से भी। उन्हें ना दुनिया में सबसे अच्छा दिखने का शौक है, और उनकी यही आदत की वजह से आज मुझे ये अवार्ड मिला है और ये क्राउन। और मैं अपनी इस पहली सफलता का श्रेय अपनी माँ मीनाक्षी राठी को देना चाहती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूँ। मिश्री, करने लगी है तू? तुझे गर्व है? मैं तेरी प्रेरणा हूँ? काय मो थारा तमगा, वो क्या कहवे है किराउन, काय अनि दिखा। मैं देती हूँ। माँ, ये जो मुझे मिला है ना, वो सब कुछ आपके आशीर्वाद की वजह से मिला है, इसलिए मैं ये आपको देना चाहती हूँ, एक छोटा सा तोहफा। जी, पता है मुझे हमेशा लगता था कि गोलू ही मारा नाम रोशन करेगा। मिश्री से कभी उम्मीद ना की थी मैंने, क्योंकि ये तो पराया धन है ना, तो सासरे चली जाएगी। पर देखो, जिससे उम्मीद की वो तो मुझे बाहर ले जाने तक को राजी नहीं है। जिससे कोई उम्मीद नहीं की, उसे पूरे स्कूल के सामने मुझे अपनी प्रेरणा ही बोल दिया। मेरी बेचारी छोरी हमेशा इस छोरा छोरी के भेदभाव में पिसती रही है। और तुझे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे कैसे बताऊं, मुझे आज तारी सोच पे ना बहुत गर्व है। तारी माँ तारे को से लूट करती है। नहीं मामा ध्रुव, प्लीज मेरी बच्ची। <laughs>
गोलू इधर आओ। क्या जा आगे जा। क्या किया है तुमने? गोलू माँ को कभी भी कपड़ों या प्लीज से नहीं आंकते। आज अगर तुम इस दुनिया में हो ना तो वो अपनी मम्मी की वजह से। मम्मी से ज्यादा तुम्हारा भला और कोई नहीं सोच सकता, ना आज ना कभी भविष्य में। ये बात तुम हमेशा याद रखना, आगे से ऐसा नहीं करोगे ना। जाओ मम्मी को सॉरी बोलो। I'm sorry, mama. माफ कर दे। मैं सॉरी टू बच्चे, मैंने माफ कर दो दोनों। जिठानी जी सच बता रही हूँ, जिठानी जी मेरी तरफ गुड बुद्धि है, आपकी बातें ना बड़ी देर में आती है समझ। सच बता रही हूँ, आज मुझे अपनी छोरी पे बड़ा गर्व, और आप सही कहती हो कि छोरियां आपका नाम रोशन करती हैं। मुझे अपनी छोरी पे गर्व है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो छोरियां नहीं कर सकती। छोरा छोरी में कोई भेदभाव नहीं कर सकती। मैं आपको कैसे समझाऊं, बस ये हो ही जाता है। माँ का मन पता नहीं छोरों में ही क्यों लग जाता है, वो आपकी छोरी नहीं है ना इस वजह से। और अब तो देर भी बहुत हो गई, अब तो कुछ हो भी ना सके हैं। कभी फर्क ना करोगे हमारे छोरी छोरों में। वक्त गया यही है, वक्त तो आ गया है। अब मैं इन सबको कैसे बताऊं कि मैं मां बनने वाली हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।